सब्सक्राइब करें हिंदी एजु सपोर्ट चैनल को और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा हिंदी एजु सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। पिछला वीडियो हमने एडमिशंस कैप रजिस्ट्रेशन 2023-24 के बारे में बनाया था, जो कि पोस्ट एसएससी डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2023-24 के बारे में था। आपको किस प्रकार से कैप रजिस्ट्रेशन 2023-24 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है उसके बारे में वह वीडियो थी, और जो भी एडमिशन लास्ट डेट 2023-24 के लिए दी गई थी आफ्टर 10th डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, उसकी जानकारी वहाँ पर अवेलेबल है। इसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज की वीडियो इम्पोर्टेंट है बिकॉज आपको आने वाले यानी कि इसी एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स एडमिशन्स के लिए लगने वाले हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, चाहे वह फर्स्ट ईयर्स का पोस्ट एचएससी डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स हो या फिर आपका फर्स्ट ईयर और डायरेक्ट सेकेंड ईयर पोस्ट एसएससी डिप्लोमा कोर्स क्यों ना हो, HMCT कोर्सेस हो, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी पदवी का अभ्यासक्रम हो, या फिर फर्स्ट ईयर के और डायरेक्ट सेकंड ईयर के अभियांत्रिकी या फिर तंत्र शास्त्र डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्सेस ही क्यों ना हो, होटल मैनेजमेंट हो, या फिर आपका फर्स्ट ईयर का फार्मडी कोर्स हो, वास्तुशास्त्र इंजीनियरिंग हो, बी प्लानिंग हो, बी डिज़ाइन का कोई भी डिग्री कोर्स हो अंडर ग्रेजुएट का, फर्स्ट ईयर का MEMTech हो, MPharma, फार्मडी पोस्ट, एम आर्किटेक्चर, एम प्लानिंग, HMCT, MBA, MMS, MCA और भी कई सारे पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट कोर्सेस है जिनके कैप राउंड एडमिशन 2023-24 स्टार्ट हुए हैं, बाकी होने बाकी है लेकिन जल्दी सभी के सभी स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट 2023-24 एडमिशंस के लिए कौन से लगते हैं इसकी जानकारी यहाँ से मिलने वाली है। पहले तो आपके पास यदि कैंडिडेट रिजर्वेशन से है तो रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के पास कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, उसके बाद कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है। जनरल कैंडिडेट्स को छोड़ के जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके पास कास्ट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही में नॉन क्रिमिलायर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, एक्सेप्ट कुछ कैटेगरीज है जैसे SC और ST, उनको नॉन क्रिमिलियर की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है बिकॉज उन्हें वह लागू नहीं है। नेशनलिटी सर्टिफिकेट और डोमेसाइल सर्टिफिकेट मस्ट है, उनके पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट और डोमेसाइल होना चाहिए जो 2023-24 कोर्सेस में एडमिशन्स पाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या फिर अदर डॉक्टरेट कोर्सेस ही क्यों ना हो। इनकम सर्टिफिकेट जो TWS कोटे से एडमिशन्स पाना चाहते हैं उन सभी कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड है, उनके पास यह इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही में आगे चलकर यदि कोई स्टूडेंट्स है जो रिजर्वेशन से आते हैं तो उनको स्कॉलरशिप्स के लिए भी बेहद ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद EWS का सर्टिफिकेट यानी कि EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए जो जनरल कैंडिडेट है लेकिन आर्थिक दृष्टिया दुर्बल घटक होते हैं। दिव्यांग स्टूडेंट पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं उनको हैंडीकैप सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। जो डिफेंस स्टूडेंट्स हैं, सैन्य दल यानी कि जो अपने फौजी भाइयों के जो भी बच्चे हैं उनके कोटे से जो आए हुए हैं उनके लिए डिफेंस सर्टिफिकेट मस्ट सबमिट करना होता है। आधार लेटर और आपको नेशनलाइज बैंक खाता जो आपके आधार से संलग्न होना चाहिए वह भी आवश्यक है, जिससे स्कॉलरशिप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT के जरिए आपके अकाउंट में जमा होने के लिए ज़रूरी होता है। जो भी स्टूडेंट डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करता है कैप राउंड एडमिशंस के दौरान तो उन पर फौजदारी यहाँ पे कोर्ट केसेस हो सकते हैं, इसके बारे में उन्हें समझना चाहिए। और भी कई प्रकार के डॉक्यूमेंट छोटे मोटे होते हैं जो आप यहाँ से इस पोस्ट की लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कौन से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस है, कौन से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है और कौन से डिप्लोमा कोर्सेज DTA के अंडर आते हैं जिनके लिए यह डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसकी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऐड नहीं है, इसका मतलब उसके लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे ऐसा नहीं है, जो कोई यहाँ पर ऐड नहीं है हमने सिर्फ यहाँ पर महाCET और DTE के डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर किया है, बाकी कोई कोर्सेस यहाँ से छूट गए होंगे
तो उसके लिए भी यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, कैंडिडेट्स तक, पेरेंट्स तक आपको वीडियो शेयर करना है, जिससे कैप राउंड एडमिशन डॉक्यूमेंट्स लिस्ट 2023-24 की जानकारी उनको मिल सके। सभी प्रकार के कैप राउंड सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस किस प्रकार से होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होते हैं, इसकी जानकारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बिकॉज सभी प्रकार के कैप राउंड एडमिशंस 2023 की जानकारी आपको इसी चैनल से मिलने वाली है। डॉक्यूमेंट्स जो एक्स्ट्रा लगेंगे, पासपोर्ट फोटो, ETC, तो यहाँ पर देख सकते हैं। इंट्रेंस एग्जामिनेशंस किसी को लागू होगा तो उसका CET स्कोर, इंट्रेंस एग्जाम टेस्ट स्कोर लागू होगा, वह भी सबमिट करना होता है। बाकी की डिटेल्स यहाँ से आप चेक करते हैं, वीडियो को लंबा ना करें इसके लिए हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, धन्यवाद।